इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, वैसे गुड नाइट का टाइम है लेकिन गुड इवनिंग बोल रहे हैं। और टाइम हो गया है कितना, 10 बज गए हैं और हम जा रहे हैं डिनर करने बाहर। और आज क्या है, आज है पलकू का बर्थडे। मिस पलकू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अगेन। कहाँ है पलकू? आज इसकी आवाज नहीं आई, आज इसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है। इसके साथ आज इतनी ट्रेजेडी हो रही है सुबह से। तो गाइस आज आने वाला है बहुत मजा, तो आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में और देखना हम क्या क्या साथ आज क्या क्या ट्रेजेडी हुई, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी खाना खाके, जब एनर्जी आ जाएगी थोड़ी। तो पहुंच गए हम रेस्टोरेंट में और ये छोटा सा केक हम लोगों की तरफ से पलक के लिए, उसको काफ़ी खुशी मिली इस केक को देख के। तो चलिए फिर केक कट करते हैं। थोड़ा थोड़ा लगा दो। तो आज पलक की फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ आप लोगों को। ये है पलक के नाना जी, ये है पलक के पापा और ये है पलक की मम्मी और ये है पलक की नानी। और ये हूँ मैं और ये हैं पलक के मामा जी और ये यहाँ पे केक सर्व करने की ड्यूटी मुझे दी गई है, तो मैं सर्व कर रही हूँ केक। तो जिस रेस्टोरेंट में हम आए हैं उस रेस्टोरेंट का नाम है मिजाज और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये हल्द्वानी में। तो हम पहले भी आ चुके थे यहाँ पे एक बार, तो हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा इसलिए हम दोबारा से इसी रेस्टोरेंट में आए हैं। तो जैसा कि हम पहले स्टार्टर मंगाते हैं तो हमारा स्टार्टर हमेशा सूप होता है, सूप से स्टार्ट। तो खाने का ऑर्डर दे दिया है हम लोगों ने और जब तक खाना आ रहा है तो सब लोगों ने सोचा तब तक पिक्स ले लेते हैं कुछ। तो हम आ गए हैं पिक्स लेने के लिए और बताइएगा आप लोग कि कैसे लगी आपको हम लोगों की पिक्स। देखिए खाना भी आ गया है और खाते हैं खाना, और खाने के बाद अगर ये ना मिले ना तो फिर खाने का तो डाइजेशन होता ही नहीं है। तो
तो ये रहा मेरा आज का लुक, कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही थी मैं। बंद हो गया मास्क कौन लगाता रात को 12 बजे? पलक लगाती है, कोविड का खौफ इसके ना अभी जा नहीं रहा। अभी वो ऐसे लगा रहेगा, मुझे लग रहा है तुझे ना आदत सी हो गई है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग चला गया है नेक्स्ट डे पे, और आज इसलिए गया है नेक्स्ट डे पे कि कल रात से 11 बजे से लाइट गई हुई है यहाँ पे, और अभी तक भी लाइट नहीं आई है। और सुबह के अभी बज रहे हैं 4:30, और मैं बैठी हूँ छत में और बिल्कुल फ्रेश लग रही होंगी ना मैं आपको, क्योंकि रात भर तो हम सो ही नहीं। कैसे सोते जब लाइट ही नहीं थी, तो इधर उधर ऐसे भटकते रहे। तो मैं आपको कल के बताती, कल का व्लॉग मैं एंड करने वाली थी, लेकिन जब तक मैंने चेंज वेंज किया तब तक लाइट चली गई थी, तो इस वजह से फिर मैं नहीं शूट कर पाई। और तो आज आ रहे हैं अमित के कज़न सिस्टर संगीता दीदी और उनकी फ्रेंड, तो मैं आपको ये कल बताने वाली थी, लेकिन अभी वो पहुंच गए हैं स्टेशन पे हल्द्वानी, तो उनको लेने गए हैं, वो अमित गए हैं उनको लेने के लिए। तो उनका भी सडन प्लान बना, उनका भी कल रात को 9 बजे फ़ोन आया कि हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो बस वही था। तो पलक के साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, ऐसा हमने उसका कोई भी बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया है, बस ये था कि थोड़ा सा बाहर जाके उसका मन रखना था, तो इसलिए हम वहाँ पे चले गए। तो ट्रेजेडी भी ये थी कि उनके घर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वो घर पे नहीं मना पा रहे थे उसका बर्थडे, केक वेक नहीं काट पा रहे थे। तो उन्होंने प्लानिंग तो बहुत सारी की थी कि हम पलक का बर्थडे इस हिसाब से मनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया वो पॉसिबल। तो फिर हुआ भी, आज गर्मी भी बहुत है, और दिन जितनी गर्मी होती है ना उससे ज़्यादा टेम्परेचर है 2-3 दिन से यहाँ पे, तो उस वजह से भी फिर थोड़ा सा रहा मूड भी। और ऊपर से जैसे ही मतलब हम लोग प्रेस करने के लिए निकालते हैं कपड़े, तब तक देखा तो लाइट ही गायब हो गई, तो उसकी वजह से भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया। और फिर हमें भी दीदी लोगों का कॉल आ गया कि हम लोग आ रहे हैं सुबह, तो थोड़ा उनके लिए भी कुछ प्रिपरेशंस करनी थी, मीन्स साफ सफाई वगैरह ऐसा कुछ, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने फिर रात को ही चेंज की और 10 बजे तक मैं मतलब काम ही निपटा पाई रात का। और हुआ ये कि हमने अमित को कॉल किया कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने बोला मुझे भी लेट हो जाएगी आज ऑफिस से आने में, यहाँ पे काम है कुछ। तो फिर वो भी मूड वो हो गया कि भाई 8:15 हो गए थे, हम लोगों का प्लान था थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, थोड़ा सा फिर इन्जॉय भी हो जाता है, और बस ऐसे जाओ और बैठो खाना खाने के लिए, तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं हो पाया वो भी पॉसिबल। फिर अमित इधर से अमित और उधर से पलक के मामा, वो भी रास्ते में फंसे हुए थे जाम में कहीं, तो इस वजह से वो भी नहीं आ पाए टाइम पे, और वही 10:15 बजे का टाइम हो गया था, तो तब गए हम वहाँ पे। तो पर चलो ठीक है, थोड़ा छोटा मोटा इन्जॉय हो ही गया, क्योंकि देखिए एक एज होती है हर चीज़ को करने की, हम हैं हमें नहीं होती एक्साइटमेंट अपने बर्थडे की या कुछ भी। ठीक है मना लिया किसी ने तो ठीक है, नहीं भी मनाया तो वो भी अच्छा है, लेकिन ये एज ऐसी होती है ना जब 2-3 महीने पहले से एक्साइटमेंट रहती है, अरे हमारा बर्थडे है, बर्थडे करके हम ये करेंगे वो करेंगे। तो यही सब पलक के लिए सोचा हुआ था, भाभी लोगों ने भी कि ऐसा कुछ प्लान किया हुआ था कि कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे पलक का बर्थडे, और पलक ने भी किया हुआ था कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और केक काटूंगी, और भी थे उसके कुछ प्लान्स, उसने कुछ ख़रीदना भी था, तो नहीं हो पाया वो पॉसिबल उस वजह से। तो फिर चलिए जितना भी रहा ठीक रहा उसका, मतलब हो गई थी वो खुश उतने में ही। तो अब दीदी लोग आ रहे हैं, और मुझे नहीं है पता कि ये लाइट कब आएगी, कितनी देर में आएगी, तो वो पता नहीं कैसे रहेंगे यहाँ पे। उनको तो क्योंकि देहरादून में नहीं है इतनी गर्मी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट भी नहीं, तो पता नहीं वो कैसे रहेंगे क्या करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको उनको मिलाऊँगी शाम को। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।